बाथरूम फिटिंग के सारे डिटेल्स दे रहा था, तो मैं सोचा कि एक अलग सा बिल बनाता हूँ केवल शावर हेड के लिए, शावर हेड और जो है उसका हैंड होता है उसके लिए। तो आप देख सकते हो मैं लोकल मार्केट से सावर सारे परचेज करके लाया हूँ आपके। मैं वन बाई वन इसको दिखाते जाता हूँ, आपको प्राइस भी सारे बताते रहूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं पहला शावर जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का शावर है, और आप देख सकते हो SS 304 यहाँ पे लिखा हुआ है। SS 304 है टोटल SS बॉडी है, और इसमें जो है ये देख सकते हैं। तो मैं इसे लोकल मार्केट से परचेज़ किया हूँ, इसे 550 रुपीज़ में चौड़ी बाज़ार दिल्ली से। नेक्स्ट आइटम मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास तो इसमें जो क्या है, इसमें देख सकते हैं कि बस एक ये जो सिलिकॉन है इसे साफ़ करने में काफ़ी इजी होता है, इसमें एक ही छेद है, तो मतलब तो इसमें सावर की तरह गिरेगा, एक एक बूंद गिरेगा। मैंने इसमें दूसरी क्वालिटी की परचेज़ किया, उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं दूसरी क्वालिटी जो है, इसमें क्या खूबी है कि इसमें भी वो सेम ही है, ये भी SS 304 ही है, और इसको देख सकते हैं आप, ये भी सिलिकॉन वाला है। देखने में थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने इसे परचेज कर लिया। इसका भी प्राइस सेम 550 रुपीज़ है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट आवर जो क्या है, इसमें इसकी खूबियाँ ये हैं कि ये मिस्ट करके बनता है, ये भी SS 304 में ही बना हुआ है, क्वालिटी इसकी भी सुपीरियर है। आप देख सकते हैं ये ब्रास ही होगा यहाँ पे खोलने पे, ये मैं सारे ब्रास के आइटम हैं यहाँ पे। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि SS 304 में इन्होंने ब्रास लगा के दिया है, जो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें देख सकते हैं जो ये इसका है यहाँ पे एक में चार छेद दिए हुए हैं इसमें, आप कैमरा मैन पास से दिखाओ इन्हें, तो आप देख सकते हैं एक में चार दिया हुआ है, जिससे ऐसे मिस्ट बन के आएगा इसमें। जब सावर में होगा तो सावर में से बारिश से बूंदें इतनी बारीक होके आएंगी कि आपको नहाने में अलग ही फील होगा इससे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा मैंने कुछ ग्लास के चाइनीज़ शावर भी परचेज़ किए हैं, जो थोड़ा कॉस्टली थे लेकिन मुझे अपने घर के लिए अपने रूम के लिए भी चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। आप देख सकते हैं ये जो आइटम है, ये ऐसे ऊपर से लटकेगा, इसमें हल्के होल हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वैसे जनरली, लेकिन देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं कि पानी के थ्रू इसमें से होके आपके ऊपर गिरते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। इसका प्राइस उसने 750 रुपीज़ में से लिया था, मुझे लग रहा था कि कॉस्टली मुझे ले रहा है क्योंकि ग्लास ही और तो कुछ है नहीं इसमें। उसके अलावा मैंने एक और जो है न्यू मॉडल वो परचेज किया था, मैं बताता हूँ आपको। जो नेक्स्ट मॉडल था वो वाटरफॉल बोलते हैं, जैसे झरने से गिरता पानी वैसे था, ये भी ग्लास का ही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये जो शावर था ये ऐसे लगा देना है इसे ऊपर शावर में, और ये पानी जो है इसमें से एक ऐसे पानी गिरेगा और ये ऐसे फ्लो बना के गिरेगा झरने की तरह, तो इसका भी आना आनंद ले सकता है। इसमें दो वैरायटी के लिए कि दोनों का ले जाए, ले लिया जाए। इसका जो प्राइस देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि एक चारों तरफ बंद है, बस यहाँ पे होल है यहाँ पे शीशे में, तो पानी यहाँ से गिरते हुए सीधे यहाँ से निकलेगा फॉल की तरह, तो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा था मुझे, तो मैंने इसे परचेज किया था। इसका प्राइस 650 और सेकेंड वाले का 750 रुपीज़ था। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ऐसे ही बाथरूम एक्सेसरीज देखने हैं तो मैंने बहुत सारे परचेज किए हैं, मैं आपको वन बाय वन वीडियो शेयर करता जाऊँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आप देख सकते हैं। तो इसका प्राइस मैंने बता दिया आपको 550 रुपीज़, एक का 750 रुपीज़, और ये तीनों जो अलग अलग डिफरेंट मॉडल के जो शावर हेड थे इनका प्राइस 550 रुपीज़ था। और इसके साथ मैंने इसका हैंडल भी लिया था टोटली ब्रास का, दिखाया था आपको। 18 इंच के ये शायद 24 या 18 इंच के हैंडल है टोटली, ये भी SS का आइटम है आप देख सकते हैं, और ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ब्रास है। तो आपको करना क्या है, इसको इसमें फिट कर देना नीचे, और ये आपको ऐसे ही आपके नीचे ऊपर टोटली आएगा। तो प्राइस वाइज 240 रुपीज़ काफ़ी रिजनेबल रेट था, मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट यहाँ पे मैंने 13 बजे पता किया था, तो इस हैंड का प्राइस वो 1000 रुपये का बता रहे थे, जो कि इतना लंबा नहीं था।
इसके हाफ था और टोटल ये एसएस में है। अब यहाँ पे ब्रास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऐसे बाथरूम से वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ फॉलो करो, मैं वन बाय वन सारे आइटम का शेयर करूँगा और आप इससे पता लग सकते हैं कि आप मार्केट में कितने सक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस, मैंने ऐसे ही अपने चैनल पे बहुत सारे बाथरूम एक्सेसरीज वीडियोस डाउन अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ जाइए, देखिए उन्हें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी हेल्प होता है उस वीडियो से हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।